नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 26 जनवरी 2018। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 के बारे में है। किसके द्वारा जारी किया गया है ये इंडेक्स? ये इंडेक्स जारी किया है येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर। 180 देशों को रैंकिंग दी गई है। 180 देशों में इन्वायरमेंट कैसा है और उस इन्वायरमेंट का हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी आधार पे यह परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया गया है। इंडिया को स्थान मिला है 170वां, काफी पीछे, लास्ट फाइव में है इंडिया। 180 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई और इंडिया का स्थान है 177। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे देश में एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है। सर्दियों में तो दिल्ली और एनसीआर के रीजन में कितना ज्यादा स्मोग हो जाता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इससे सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और हमारे देश में एयर पोल्यूशन के कारण काफी सारी डेथ्स होती हैं। इसीलिए इंडिया को इतना पीछे स्थान दिया गया है। इन्वायरमेंट की वजह से हमारे देश में हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा बेसिक इंफॉर्मेशन, 10 कैटेगरीज में 24 परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया गया था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल श्रम अवार्ड्स के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? यूनियन गवर्नमेंट ने 50 से ज्यादा मजदूरों के लिए श्रम अवार्ड्स अनाउंस किए साल 2016 के लिए। श्रम अवार्ड्स को सरकार ने स्टार्ट किया था 1985 यानी 1985 में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं श्रम अवार्ड्स? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद किसको दिए जाते हैं? देखो, चार कैटेगरीज में दिए जाते हैं श्रम अवार्ड्स। पहली कैटेगरी है श्रम रत्न, दूसरी कैटेगरी है श्रम भूषण, तीसरी श्रम वीर और चौथी श्रम देवी। चार कैटेगरीज में दिए जाते हैं। और किसको दिए जाते हैं? पीएसयू का कोई वर्कर हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिट हो। उस प्राइवेट सेक्टर यूनिट में कम से कम 500 या 500 से अधिक वर्कर्स होने चाहिए। उस प्राइवेट सेक्टर यूनिट के वर्कर को भी दिया जा सकता है श्रम अवार्ड। और कौन से वर्कर्स को दिए जाते हैं श्रम अवार्ड्स? अगर कोई वर्कर प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, योगदान देता है, अगर कोई वर्कर अपनी इनोवेशन की सहायता से काम को और ज्यादा आसान बना देता है, सरल बना देता है, तो उन वर्कर्स को दिए जा सकते हैं श्रम अवार्ड्स। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल अमृत स्कीम के बारे में है। फुल फॉर्म है अमृत स्कीम, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। ये स्कीम सरकार ने स्टार्ट की थी 2015 में। कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की। अभी क्या कंटेक्स्ट है? अभी कंटेक्स्ट यह है, सरकार कई सारी नई जगहों पे अमृत आउटलेट्स खोलेगी। क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का? ऑब्जेक्टिव यह है कि गरीब लोगों को सस्ते दामों में दवाइयां उपलब्ध करवाना। अमृत आउटलेट्स पे 63% कम से कम 63% डिस्काउंट पे दवाइयां मिलती है। सरकार अपनी तरफ से पेशेंट्स को या फिर उन लोगों को जिनको दवाइयों की आवश्यकता है सस्ते दामों में काफी डिस्काउंट पे उपलब्ध करवाती है, ताकि गरीब लोगों पे बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े इलाज का। और कौन सी एजेंसी इंप्लीमेंट करती है इस स्कीम को? HLL लाइफ केयर लिमिटेड। ये मिनी रत्ना PSU है, ये चलाता है अमृत आउटलेट्स को, जहां पे सस्ती दवाइयां मिलती हैं। और देखो, एक बात ये याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, सस्ती दवाइयां सरकार उपलब्ध करवाती है, फ्री दवाइयां नहीं दी जाती। दवाइयों पे डिस्काउंट काफी ज्यादा होता है, जैसे दिया हुआ है एवरेज डिस्काउंट होता है दवाइयों पे 63%। अगर क्वेश्चन UPSC यूं पूछ ले कि फ्री मेडिसिन सरकार उपलब्ध करवाती है, तो गलत हो जाएगा। तो वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। और सस्ती दवाइयों के अलावा जो मेडिकल डिस्पोजेबल्स होते हैं, जैसे इलाज के वक्त खाली इंजेक्शंस, इन सब की जो आवश्यकता पड़ती है, उनको भी सस्ते दामों में उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल था अमृत स्कीम के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में है। पहले कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कंटेक्स्ट है? सरकार ने इस स्कीम को मॉनिटर करने के लिए एक रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। क्या है ये रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम? एक प्रकार का पोर्टल है, वेबसाइट है, जिसकी सहायता से स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स को मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा क्या सरकार जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इस स्कीम में, जिसका नाम है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, क्या बेनिफिशरीज को इस स्कीम का लाभ हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, लीकेज आखिरकार है क्या। तो स्कीम को मॉनिटर करने के लिए है ये पोर्टल, जो कि बनाया है NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। अब स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। स्कीम है क्या? स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। एडोलसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है, यानी वो लड़कियां जिनकी उम्र 11 से 14 साल है और वो आउट ऑफ स्कूल है, यानी स्कूल में नहीं पढ़ रही हैं। तो आउट ऑफ स्कूल्स एडोलसेंट गर्ल्स पे फोकस करती है ये स्कीम, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। होता क्या है इस स्कीम में, वो लड़कियां जो आउट ऑफ स्कूल है और जिनकी उम्र 11 से 14 साल है, उन लड़कियों को एंकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आप फिर से स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज उनको स्किल्स दी जाती हैं।
इसके अलावा उनको इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है हेल्थ हाइजीन से संबंधित, न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी उनको दिया जाता है। तो ये सब कुछ शामिल है इस स्कीम में जिसका नाम है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये स्कीम? ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। आंगनवाड़ी सेंटर्स मेन फोकल पॉइंट है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है। तो ये सारी बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यंग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 4 नई स्कीम्स चलाई हैं। मकसद ये है कि साइंटिफिक रिसर्च में यूथ का जो टैलेंट है उसे शुरुआती एज में ही रिकॉग्नाइज किया जाए और यंग टैलेंट को रिवॉर्ड किया जाए। फोकस करती हैं ये 4 स्कीम्स यूथ को एम्पावर करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं साइंटिफिक रिसर्च की तरफ। तो 4 स्कीम्स में सबसे पहली है टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस। क्या है इस स्कीम में? देखो, वो टीचर्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अपनी रिसर्च को जारी नहीं रख पाते, चाहे वो फंडिंग की वजह हो या फिर कोई दूसरा रीजन हो। तो उन टीचर्स को प्रमोट किया जाता है और कहा जाता है कि आप रिसर्च में फिर से आ जाइए। दूसरे नंबर पर स्कीम है ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टरल फेलोशिप। इस स्कीम में जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनको एक्सपोजर दिया जाता है, उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भेजा जाता है ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में किस प्रकार से रिसर्च की जाती है वहां की बारीकियां जानने को मिले पीएचडी होल्डर्स को, और उन बारीकियों को वो यूज करें जब वो वापस लौटेंगे भारत में रिसर्च के दौरान। तीसरे नंबर पर स्कीम है डिस्टिंग्विश्ड इन्वेस्टिगेटर अवार्ड DIA। देखो, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है यूनिवर्सिटीज में? जो लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है, उनको पता होगा जब देखो किसी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट दी जाती है रिसर्च के लिए, वो ग्रांट पूरे इंस्टीट्यूशन को होती है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होती। फॉर एग्जांपल, DU को सरकार ने ग्रांट दी 100 करोड़ की, तो ये ग्रांट पूरे DU को दी गई है, एक इंडिविजुअल को नहीं दी गई है। तो इस समय देखो, इस सिचुएशन में DU किसी साइंटिस्ट को, अगर कोई साइंटिस्ट अपनी लैब चला रहा है यूनिवर्सिटी में या फिर उसका अपना रिसर्च ग्रुप है, उसको एडमिनिस्टर करते हैं कि आप डिसाइड कीजिए कि किसको कितनी ग्रांट दी जानी है, यानी अपने हिसाब से कौन से प्रोजेक्ट को कितनी ग्रांट की अभी आवश्यकता है, आप ये सब कुछ डिसाइड कर लीजिए। तो ये होते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो उनके लिए भी, उनके प्रीश्रम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए तीसरी स्कीम है डिस्टिंग्विश्ड इन्वेस्टिगेटर अवार्ड। चौथे नंबर पर है अगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च। जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं या फिर जो यंग साइंटिस्ट हैं, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखे साइंस के बारे में ताकि जनता को पता लगे किस प्रकार से अब साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, साइंस के बारे में लोगों को जानने का मौका मिले मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या फिर न्यूज चैनल्स के माध्यम से। तो ये चौथी स्कीम है अगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च। तो ये 4 स्कीम्स थी जो सरकार ने लॉन्च की है यंग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को प्रमोट करने के लिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जोजिला टनल के बारे में है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सरकार ने अप्रूवल दे दिया था जोजिला टनल को, कहां पे बनाया जाएगा इसे। अभी देखो, श्रीनगर को ले से जो हाईवे जोड़ता है जिसका नाम है NH1A, इसकी लेंथ है 450 किलोमीटर के आसपास, लेकिन यह हाईवे पूरा साल ओपन नहीं रहता, सर्दियों में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। तो ले जो है वो बाकी देश से कट जाता है, ले लद्दाख बाकी देश से कट जाते हैं सर्दियों के सीजन में। तो इसीलिए यह टनल बनाई जाएगी। जब यह टनल बन के तैयार हो जाएगी तो एशिया की सबसे बड़ी बायडायरेक्शनल 2 लेन की यह टनल होगी, लेंथ होगी 14.1 किलोमीटर के आसपास। टनल बनने के बाद में ले लद्दाख पूरे साल बाकी देश से जुड़े रहेंगे, यानी बर्फबारी हो चाहे कुछ भी हो, ले लद्दाख बाकी देश से जुड़े रहेंगे इस टनल को बनने के बाद। आप मैप देख लीजिए एक बार, स्ट्रेटेजिकल रूप से काफी इंपॉर्टेंट है यह टनल, क्योंकि कारगिल में आपको पता है 1999 में वार हुआ था, जो हमारे जवानों की जो सप्लाईज हैं जो लेह लद्दाख में पोस्टेड हैं या फिर कारगिल में पोस्टेड हैं, वो इसी हाईवे के थ्रू जाती हैं। अभी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 450 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है, पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा तंग है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, और इवन अगर बर्फबारी हो जाए, रास्ता बंद हो जाए, तो सप्लाई सारी की सारी रुक जाती हैं। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस की वो याद रखिएगा, एशिया की लार्जेस्ट 2 डायरेक्शनल 2 लेन की ये टनल होगी, बन के जब तैयार हो जाएगी। लेंथ है 14.15 किलोमीटर से, और कौन से हाईवे पे है? NH1A, उस हाईवे पे जो श्रीनगर को ले से जोड़ता है। तो अब शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 के बारे में। आप क्वेश्चन बताइए, क्या इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा? हाँ या नहीं? गलत है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके।
उसके बाद हमने डिस्कस किया श्रम अवार्ड्स के बारे में। अच्छा ये बताइए, क्या श्रम अवार्ड्स को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया 2015 में, सही या गलत? गलत स्टेटमेंट। श्रम अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं और स्टार्ट किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और ये स्टार्ट किए गए थे 1985 में, तो काफी साल हो गए, अभी भी स्टार्ट नहीं हुए, काफी पुराने हैं श्रम अवार्ड्स। उसके बाद में हमने अमृत के बारे में डिस्कस किया, क्या अमृत स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्कीम है? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्कीम है। उसके बाद रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में स्टेटमेंट बोलता हूं, आप ये बताइएगा सही है गलत है। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स का मकसद ये है कि एडोलसेंट गर्ल्स को इंडस्ट्रियल पैटर्न के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो फॉर्मल सेक्टर में जॉब कर सके। स्टेटमेंट सही या गलत? गलत स्टेटमेंट है ये। गलत क्यों है? सोच के देखिए, 11 से 14 साल की लड़कियों को सरकार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देगी, वो भी फॉर्मल सेक्टर में जॉब करने के लिए? नहीं देगी। वैसे स्किल्स का एक कंपोनेंट है स्कीम में, लेकिन स्कीम वो स्किल का कंपोनेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए है, ना कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और उसके बाद फॉर्मल सेक्टर में जॉब करने के लिए। तो इस प्रकार से सिंपल सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो, 11 से 14 साल की लड़कियों को कोई भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं देगी। उसके बाद हमने चार स्कीम्स को डिस्कस किया जो सरकार ने चलाई है यंग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को प्रमोट करने के लिए। और सबसे लास्ट में हमने जोजिला टनल के बारे में डिस्कस किया। कहाँ पे है जोजिला टनल? सिंपल है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। रिपब्लिक डे की आपको फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।